हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पसंदे की रेसिपी, जिसके लिए हमने आधा किलो पसंदे लिए हैं, जिसको हमने एक शेफ में कटवा लिया था। पसंदे दो प्याज लिए, बड़ी पिसा हुआ खोपरा है, पिसे हुए चने हैं, साबुत मिर्चे हैं और बादाम है, कुछ हल्दी मिर्चे, पिसा हुआ धनिया और नमक है, मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट है, खसखास है, दही है और ये कुछ साबुत गरम मसाला है। हमने दो चमची तेल लिया है, अब इसमें हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। प्याज ब्राउन हो रही है, अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज ब्राउन की थी उसको हम पीस लेंगे। अब हम तेल में गरम मसाला डालेंगे, साबुत गरम मसाला, तो इसमें पसंदे डालकर फ्राई करेंगे। हमारे पसंदों का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, पिसा हुआ धनिया है, एक चमची पिसा हुआ धनिया है, दो चमची पिसी हुई मिर्चे हैं, नमक है और हल्दी है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे दो चमची, बादाम, खसखस और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे हम, तो हमने पीस लिया था। और साथ में चने पिसे हुए चने हैं और पिसा हुआ खोपरा है, ये जाएगा। और साथ में दही जाएगी, एक पाव दही है। मसाला भून जाएगा, फिर इसमें हम प्याज पीस के डालेंगे। पसंदे गलने के लिए अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, ताकि हमारे पसंदे गल जाएं। 15 मिनट के लिए पसंदों में गल जाएंगे, इतने पानी डाल दिया है हमने। हमारा वो पसंदे अब हमारे गल चुके हैं, अब इसमें जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको डालेंगे हम। पसंदे भून के भूनने के बाद बस हमारे पसंदे तैयार हो जाएंगे। अब हमारे पसंदे तैयार हो गए, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी चौकी हुई अदरक डालेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर मेरे पसंदे की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपने पसंदों को डिश आउट करेंगे। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया, हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए और बारीक कटी हुई अदरक के साथ। अगर आपको मेरे पसंदों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।